हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो सबसे पहले हमें पार करना पड़ेगा वो है जयपुर, और इसको पार करते ही हम डायरेक्ट हमारे मंजिल बाला किला तक पहुंच जाएंगे। पहुंच गए बाला किला, और ये मूवी वाला बाला नहीं है, ये है हमारा बाला किला। ये आप बाला किला की ब्यूटी देखिए यहाँ पर, जो अभी तो हम बाला किला में एंट्री नहीं कर रहे हैं, और बाहर से आप यहाँ की ब्यूटी देखिए। यहाँ पर कुछ पुराने जमाने की तोप रखी हुई है, पूरा लगभग खंडहर हो चुका है, इसे रिनोवेट की बहुत जरूरत है अभी यहाँ पे, तभी कुछ प्रचार हो पाएगा यहाँ का। जैसा कि आपको बताते हैं, सन 1049 में ये किला बनवाया गया था, उसके बाद ये निकुम्बो के शासन में आया। निकुम्बो ने यहाँ पर काफी राज किया, लेकिन निकुम्बो की एक प्रथा थी नरबलि की। नाच वगैरह प्रोग्राम जो भी नर्तकियां नाचती थी पहले वो होता था, और ये ज्यादातर जगह देख रहे हैं, ऊपर झोंके देख रहे हैं, यहाँ पर राजा सामंत वगैरह सब इनको नाम देख रहे थे। ये ऊपर तक फांसी लग रही है यहाँ पर, हमें पता नहीं है क्या है, आइए देखते हैं। डर तो लग रहा है, बिल्कुल सुनसान है यहाँ पर, एक परिंदा भी नहीं है। ये तो राजाओं का पोटी घर हुआ करता था। आप देखिए, एक पोटी करने के लिए वो इतना घुमा फिरा के आते थे, और आज तो देख सीधा गेट लगा देते हैं। यहाँ पर चार जने, एक दो तीन चार, चार जने एक साथ पोटी करते थे। देखिए आप राजा महाराजा को सब देखिए, चार जने हमने सामने, दो जने हमने सामने, तो वो हमेशा डेली एक नरबलि दिया करते थे, जिसके कारण वहां के लोग नाराज हो गए थे, और फिर उन्होंने अलावल खान को, जो कि असंखा मेवाती के पिता थे, उनको बुलाया इस किले पे कब्जा करने के लिए। खान को कब्जे के लिए बुलाया, और यहाँ पर एक प्रथा थी उनकी कि वो रात को शस्त्र नहीं उठाते थे, निकुम्बो के जो हैं रात को शस्त्र नहीं उठाते थे, इसलिए अलावल खान ने रात्रि के समय यहाँ पर अटैक किया, और क्योंकि यहाँ पर कभी शस्त्र वगैरह नहीं चले हैं, शस्त्र अटैक ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए इसे कुंवारा किला कहा जाता है, बाला यानी कुंवारा किला। अलावल खान के बेटे हसन का मेवाती ने 1500 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण कराया। उसके बाद सन 1527 में खानवा के युग में
बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था, उसमें बाबर जीत गया था और बाबर जीत के यहाँ पर बहुत सारा खजाना लाया था। वो खजाना बाबर ने यहाँ छुपा के रखा हुआ है, ऐसा यहाँ के लोगों की मान्यता है। तो हमें कुछ ऐसा सुरंग सा दिख रहा है, देखते हैं शायद खजाना वजाना मिल जाए कुछ। बहुत ही अमोनिया की स्मेल आ रही है, चमगादड़ में से भरा हुआ है। नो नो, यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं, काफी सारे चमगादड़ इधर बैठे हुए हैं। खजाना देख जाएगी हम, बिल्कुल रिस्क है। अगर आपको खजाना ढूंढना है तो जान का खतरना रिस्क हो सकता है। आपको देखिए अंदर तक जबरदस्त चमगादड़ी झरना है, इतने अच्छे। अगर इसको होटल में कन्वर्ट करें तो बहुत ही शानदार ये व्यू हो सकता है। ये देखिए पूरा का पूरा इसमें चंद्रादनी चंद्रादनी सभी लोग। हर जगह नहीं तेरी ये अटैक कर दे, एंड नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट टाइम आएंगे जब पूरा पैक होके हेलमेट हेलमेट लगा के स्पेस सूट में आएंगे, जब आप पूरा अंदर से व्यू दिखाएंगे। अभी तो हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाने की। सा है वेंटिलेटर, पता नहीं क्या है, देखते हैं। इसमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है, शायद खजाने का रास्ता हो। अंदर से अजीब अजीब तरह की आवाजें आ रही है, पता नहीं कुछ भूत प्रेत की सी चमगादड़ क्या है। इसको तो पूरा ही घुस भी नहीं सकते हैं, इसमें अब छोटा सा होल है। और जैसा कि आपको बताते हैं ये अभी सिर्फ 10% ही खोल रखा है लोगों के लिए, बाकी 90% तो नीचे और है जहां पर शस्त्र वगैरह रखे हुए हैं। ये एक तरह से भूल भुलैया है, पूरा का पूरा घूम के वापस सही निकल गया है। शायद सभी लोगों में ऐसा है, भूल भुलैया बना रखा है इसका पूरा, इसे भूल भुलैया वाला किला भी बोल सकते हैं। थर्ड फ्लोर पे ले चलते हैं, सेकंड फ्लोर था, अब आपको थर्ड फ्लोर पे ले चलते हैं। ये शायद गार्ड का रूम हुआ करते थे जहाँ पर वो बैठा रहता था। डर तो बहुत लगता है यहाँ पे। ओहो, ये देखिए चमगादड़ देखिए, जैसे अपने घरों में जा रहे हैं। एक बार आप ये देखिए, सीक्रेट घर इनका, हो सकता है ये खजाने की रक्षा कर रहे हो। यहाँ पे आ कहाँ से रहे हैं? अच्छा, इनका पैतृक जगह यहाँ छिपते हैं ये। व्यू देखिए, पूरा का पूरा पहाड़ी पे बनाया हुआ है और लगभग पूरा घूमते हुए थोड़ा थक से गए हैं।
अलवर का मोती डोंगरी, एनएस पूरे पूरे अलवर का व्यू आता है यहाँ पर। शायद इसीलिए कभी किसी के अटैक करने की हिम्मत नहीं हुई होगी इसके ऊपर। साल बाद भी वैसे ही यहाँ पे हैं और ये सब आर्टिफिशियल कलर्स हैं, मतलब गुलाब हो गए या फिर नेचुरल कलर से बनाया हुआ है सब कुछ। और ये पूरा चूना पत्थर से बनाया हुआ है, इतने हजार साल की में भी चूना पत्थर का इतना टिका हुआ है, मतलब उस टाइम क्या टेक्नोलॉजी रहती होगी। ये फूलों के फूलों से बने हुए कलर हैं, फूलों पर बराबर से फूलों पर से बिल्कुल नहीं निकल रहे। आजकल कहीं को मिलाओ ये मिलाओ वो मिलाओ तब भी कलर नहीं निकल रहा है। ये डिजाइन देखिए, आपको आप अंदर से रूम दिखाते हैं, थोड़ा रिस्क लेते हैं ताकि देख सकें सर। इतने सालों से इधर कोई नहीं आया, इतनी अमोनिया चमगादड़ों की ये कहाँ जा रहा है। जबरदस्त रूम इसके जो है, रूम के अंदर रूम, रूम के अंदर रूम, सभी चमगादड़ से रास्ता दिखा रहे हैं हमें। क्या बताना चाहते हैं देखते हैं मुझे ही। ये शायद ऐसा इंसाइड व्यू आपको किसी ने भी दिखाया हो, सभी ने आपको लाल बना देने में अंदर चलते हैं। चलो आप चलते हैं दूसरे रूम में जाते हैं। अंदर जाना रिस्की है, लगभग पानी की बोतल साथ लेके आनी चाहिए। जैसा कि आप बताते हैं बाला किले थोड़ा बाहर निकलने के बाद ये तोप है, काफी साल पुरानी अष्ट धातु की तोप, बहुत कम जगह देखने को मिलती है। इसमें यहाँ पर गोला डालते थे और पीछे से आग लगाते थे। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी की और राम की मूर्ति बनी हुई है, ये नीलम पत्थर की बनी हुई है, नीलम माणिक की, जो कि बहुत ही महंगा था। वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है,
आपको नजदीक से दिखा रहे हैं। एक परिक्रमा दिखाते हैं आपको, ये छोटी सी परिक्रमा है। यहाँ पे कर दो बंद, आपको दिखाते हैं सुसाइड पॉइंट, जहाँ पे तो आप जानते ही हो क्या होता है। भारी भारी तोप है, ये सुसाइड पॉइंट नहीं मर्डर पॉइंट लग रहा है। यहाँ से एक गोला छोड़ो नीचे साफ। बाला किला की सेफ्टी के लिए यहाँ पर इस व्यू के साथ हम आपसे यहीं अलविदा लेते हैं। अगर पसंद आए आपको तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने अब नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।